चलो एनीवेज क्लास लगी है तो अपन पढ़ेंगे. व्हाट डू यू मीन बाय एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, क्या समझ में आता है इससे? कार्सिनोमा इज कैंसर इन एंडोमेट्रियम. व्हाट इज एंडोमेट्रियम? इनर मोस्ट लेयरिंग ऑफ यूट्रस. और कौन सी और कितने लेयर होती है यूट्रस की? मायोमेट्रियम और पैरामेट्रियम, है ना. तो पैरामेट्रियम इज द आउटर मोस्ट लेयर विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिरोसा. देन यू हैव द मायोमेट्रियम विच इज द बल्क द मस्कुलेचर ऑफ द यूट्रस. एंड देन यू हैव द इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ द यूट्रस दैट इज कॉल्ड एज एंडोमेट्रियम. एंडोमेट्रियम वर्क्स इन द अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विच हॉर्मोन? ईस्ट्रोजन. प्रोजेस्टेरोन ऑल्सो एक्ट्स बट प्रोजेस्टेरोन हैज अ सप्रेसिव इफेक्ट ऑन द एंडोमेट्रियम. ईस्ट्रोजन हैज अ प्रोलिफरेटिव इफेक्ट. मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर पढ़ी होगी फिजियोलॉजी में तो उसमें दो फेजेस होते हैं. एक ओवुलेटरी साइकिल होती है, ओवेरियन साइकिल होती है, एक यूट्राइन साइकिल होती है. तो ओवेरियन साइकिल में फॉलिकुलर फेज, ओवुलेशन एंड ल्यूटियल फेज. नहीं, हाँ ल्यूटियल फेज, ये ओवुलेटरी साइकिल में होता है. और यूट्राइन साइकिल में प्रोलिफरेटिव सीक्रेटरी फेज, है ना, एंड मेंस्ट्रुएशन. ठीक है, तो प्रोलिफरेटिव फेज इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ईस्ट्रोजन एंड सीक्रेटरी फेज इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन. सो प्रोलिफरेशन मींस एंडोमेट्रियम इज ग्रोइंग. सो ये एंडोमेट्रियम इतना ग्रो कर जाए कि इसमें कुछ उसका प्रोजेस्टेरोन का सप्रेशन ना रहे, या फिर किसी और रीजन से वो इतना ग्रो कर जाए कि प्री मैलिग्नेंट स्टेट में कन्वर्ट हो, दैट इज कॉल्ड एज एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया. एंडोमेट्रियल कैंसर डायरेक्टली नहीं होगा, पहले देयर विल ऑलवेज बी अ प्री मैलिग्नेंट स्टेट विच इज कॉल्ड एज एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया. हाइपरप्लेजिया कैन बी सिंपल हाइपरप्लेजिया और कॉम्प्लेक्स हाइपरप्लेजिया विद एटीपिया. एटीपिया मीन्स की द न्यूक्लियस हैज बिकम एटिपिकल. सो कमिंग टू एंडोमेट्रियल मेलिग्नेंसी, इट इज द फोर्थ कॉमन मेलिग्नेंसी इन वुमेन आफ्टर ब्रेस्ट, सर्विक्स, लंग एंड कोलोरेक्टल. सेकेंड मोस्ट कॉमन जेनाइटल मेलिग्नेंसी, विच इज द मोस्ट कॉमन जेनाइटल मेलिग्नेंसी, सी ए सर्विक्स, कैंसर सर्विक्स. इट इज यूजली इन द सिक्स्थ और सेवन्थ डेकेड ऑफ द लाइफ एट द एवरेज ऑफ 60 ईयर्स ऑफ एज. एंडोमेट्रियल एंड ओवेरियन कैंसर आर मोस्ट फ्रीक्वेंटली साइमल्टेनियसली अंकरिंग जेनाइटल मेलिग्नेंसीज. एंड मोस्ट कॉमन वेराइटी ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर इज एडीनोकार्सिनोमा. What is the normal endometrial thickness? It varies. It varies depending on which day of the cycle we are measuring it. One. And second, what is the normal endometrial thickness after menopause? After menopause, तो कोई estrogen का effect रहेगा ही नहीं. So it will not grow. So it will be limited to at certain point, beyond which it is not normal, beyond which it will be called as hyperplasia. So what is that limit in a postmenopausal woman? हाँ तुम सही सोच रहे हो. 4 mm. 4 mm is the cutoff we take. It should be less than 4 mm. Just after the menstruation, it is usually around 2 to 3 mm. Just before the menstruation, it can be around 12 to 13 mm. And in between, it will grow like 5, 6, 7, 8, and this way. And at the round ovulation time, it's around 11, 12 mm. Because once it reaches maximum peak, uske baad luteal phase aa jata hai. So luteal phase mein kya hoga? Grow nahi karega. There will be secretory changes. It will make it nidable. Ki implantation ho sake wahan par. Agar hona hai to. So what could be the risk factor? Sabse important risk factor kya hai? Unopposed estrogen. ईस्ट्रोजन किसी भी रीजन से अगर बॉडी में ईस्ट्रोजन ज्यादा है तो इट विल लीड टू एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया. एंड क्रॉनिक एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया विल लीड टू एंडोमेट्रियल मैलिग्नेंसी. सो व्हाट आर द फैक्टर्स विच कॉजेस अनअपोज्ड ईस्ट्रोजन थेरेपी? नली पैरिटी. व्हाट डू मीन बाय नली पैरिटी? नो बेबीज. सो हाउ डज दिस कॉजेस ईस्ट्रोजन? इससे कैसे एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा होगा? Yes, pregnancy के time पे और lactation में 1.5 साल तक there is no estrogen. Patient is not menstruating. 9 months during her pregnancy and 6 months post delivery, she is not menstruating. So there is no estrogen. Chronic anovulatory cycles. Chronic anovulatory cycles is
पीसीओडी में जैसे होता है, इसमें क्या होगा, इसकी वजह से क्यों होगा? एनोवुलेटरी साइकिल से तो क्या होगा? क्या हुआ बेटा, पिकनिक पे आए हो? हैं ऐसे टहलते टहलते पूछने की हिम्मत वो नहीं है कि आ जाओ अंदर, यू नॉट फॉरगिवन, बैठो आ जाओ बेटा। क्या नाम है तुम्हारा? आगे हाँ, क्यों पीसीओडी में क्रॉनिक एनोवुलेशन में क्यों होगा? ओवुलेशन के बाद कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है? प्रोजेस्टेरोन। तो एनोवुलेशन है, प्रोजेस्टेरोन नहीं आएगा तो देयर विल बी अनअपोज्ड ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन को अपोज करने के लिए देयर इज नो प्रोजेस्टेरोन, सो दिस विल लीड टू ईस्ट्रोजेनिक हाइपर ईस्ट्रोजेनिक एनवायरमेंट। अर्ली मेनार्क, बिकॉज जैसे आजकल एज शिफ्ट हो रही है, अर्ली मेनार्क दे आर मोर एक्सपोज टू ईस्ट्रोजन बिकॉज इनके मेंस्ट्रुएशन ज्यादा टाइम तक चलेगा। लेट मेनोपॉज, ओबेसिटी, वाई ओबेसिटी, एडिपोज टिश्यू से क्या होगा, विच कन्वर्ट, जिससे पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ ईस्ट्रोजन ज्यादा होता है, पेरिफेरल कन्वर्जन। अपन कौन सी क्लास में आए बेटा प्रजापति जी? अच्छा टॉपिक क्या है? ये ऐसे लोग मेरी नजरों में रहते हैं, फिर फाइनल ईयर तक नजरों में ही रहते हैं जब तक इनका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता। लॉन्ग टर्म हार्मोन रिप्लेसमेंट जिनको अपन एचआरटी देते हैं, जैसे पोस्ट मेनोपॉजल जिनको अपन एचआरटी दे रहे हैं, अगर अपन लॉन्ग टर्म अनअपोज्ड ईस्ट्रोजन दे रहे हैं, दैट इज फैक्टर्स डिक्रीजिंग द रिस्क, जो कि प्रोटेक्टिव होंगे। मल्टीपैरिटी, जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतना ज्यादा इट विल बी प्रोटेक्टिव टुवर्ड्स एंडोमेट्रियल कैंसर बिकॉज उतना टाइम शी इज नॉट मेंस्ट्रुएटिंग और ओवुलेटिंग। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इससे क्या होगा, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी सप्रेस करके रखते हैं। फिजिकल एक्टिविटी ऑब्वियसली, इसलिए क्योंकि ओबेसिटी नहीं होगी तो पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ ईस्ट्रोजन नहीं होगा। प्रोजेस्टेरोन एक्सपोजर, जहां पे प्रोजेस्टेरोन अपन दे रहे हैं तो सप्रेस करता है, एंड इवन दिस इज स्मोकिंग इज अ प्रोटेक्टिव फैक्टर फॉर एंडोमेट्रियल मैलिग्नेंसी। देन पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, देर आर टू टाइप ऑफ एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, टाइप वन एंड टाइप टू। टाइप वन इज यूजली वेरी कॉमन एंड इट इज सीन इन यंगर पेरीमेनोपॉजल वुमेन। व्हाट इज पेरीमेनोपॉजल? What is perimenopausal? See, I'm not here to only teach endometrial carcinoma because these are the terms which you know, which you should know. Because endometrial carcinoma is a very vast, difficult topic for you. So first you should understand the basic terminologies. What is perimenopausal group? What could be the perimenopausal? What do you mean by perimenopausal? It is somewhere around menopause. So menopause is around at the age of 50, 48 to 50. So around 45 to 50 का जो एज ग्रुप है, that is called as perimenopausal age group. इसमें usually complex atypical hyperplasia होता है, it is because of unopposed estrogen. It can be diagnosed at early stages. Grading 1 and 2 ही है, आगे बताऊंगा grading. They are usually well differentiated and less aggressive. Good prognosis and mortality is less than 10%. Type 2, which occurs in older postmenopausal women, in this there is atrophic endometrium. It is estrogen dependent, diagnosis obviously at a later stage. It has deep myometrial invasion. They are usually clear cell or serous carcinomas. They are poorly differentiated, very aggressive, and have very poor prognosis. Histopathologically, there are the most common is adenocarcinoma, 80% of which it is they are mostly endometroid. Variants can be squamous, villoglandular or secretory. ये तुमको आगे पढ़ोगे तब काम आएगा. It's just time because class है. Mucinous adenoma होता है, papillary होता है, clear cell है, undifferentiated है. Squamous carcinoma is very very rare. And mixed carcinomas. Grading is important because grade 1 is well differentiated, which has got well good prognosis, which is less than 5% of non-squamous or non-morular solid growth pattern. मतलब solid growth pattern जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा prognosis poor होता जाएगा. Moderately differentiated in which 6 to 50% of non-squamous or non-morular solid growth pattern. And if there is more than 50% of solid growth pattern, that is poorly or undifferentiated endometrial carcinoma. What are the symptoms? What could be the symptoms? Symptoms kya honge? Socho. Bleeding. So abnormal uterine bleeding. Agar patient perimenopausal hai, postmenopausal hai, to postmenopausal bleeding hogi. A postmenopausal patient with postmenopausal bleeding has to be considered as
malignancy until and unless proven otherwise. Agar, although the most common cause of postmenopausal bleeding is atrophic vaginitis or senile vaginitis or atrophic endometritis, but you have to rule out malignancy in every patient. Until unless malignancy is proven, you cannot proved out, you cannot say that postmenopausal bleeding is non-malignant. So any patient who comes to you with postmenopausal bleeding and agar tumko examine karne mein atrophic vaginitis mil bhi raha hai, then also you have to rule out cancer. Could it be endometrial cancer, could it be cancer cervix or whatever cancer it is. So if it is a reproductive or perimenopausal age group, then it is usually heavy menstrual bleeding. HMB कहते हैं इसको, intermenstrual bleeding. Intermenstrual is जो 28 day cycle का duration है उसके बीच में अगर spotting bleeding होनी चालू होती है. Frequent cycles, frequent means क्या ज्यादा, क्या ज्यादातर अब कितने दिन में है? Less than 20 days की cycle is frequent menses, है ना, like 21 days. Amenorrhea followed by heavy bleeding is also a sign of CN. Postmenopausal bleeding 95% cases. Vaginal discharge which can be purulent 1%. Purulent is basically usually जब cervix बहुत stenosed हो जाता है, endometrial cancer develop हो गया और अंदर pyometra हो गया, अंदर pus ही pus collect हो गई है uterus में. So then the discharge becomes purulent. Pelvic pain, pressure, hematometra, pyometra in case of cervical stenosis, changes in bowel and bladder habits. What could be the differential diagnosis of postmenopausal bleeding? Obviously, endometrial atrophy, which I told you, atrophic endometritis or atrophic vaginitis, estrogen replacement therapy, endometrial polyps, endometrial simple endometrial hyperplasia. कई बार postmenopausal bleeding में simple endometrial hyperplasia भी हो सकता है, है ना? तो अगर अपने उसको curate कर दिया, simple hyperplasia कुछ नहीं, अपन को follow up में रखना है. We don't have to go for any aggressive therapy. And cancer, obviously. General physical examination, patient might be having central obesity, hypertensive, pallor, signs of insulin resistance, which is seen in diabetes or obesity. Abdominal examination, usually, सबसे एक triad होता है, उसको corpus cancer syndrome बोलते हैं, in which there is obesity, hypertension and endometrial malignancy. So obesity or hypertensive patient आया है, postmenopausal bleeding, 90% it will be endometrial carcinoma. Abdominal cases examination usually unremarkable until unless कोई lymph nodes बहुत ज़्यादा palpable हो या फिर कोई बहुत uterus इतना बड़ा हो गया हो किसी और reason से, usually नहीं, कुछ नहीं मिलेगा. पर speculum examination में bleeding और discharge, pap smear में show atypical endometrial cells. Pelvic examination, uterus is usually normal in size because it is an endometrial malignancy. So uterus का size as such कुछ नहीं होता, increase नहीं होता. Adenexa free मिलते हैं, कोई masses नहीं होंगे. हाँ, अपन को नोड्यूलैरिटी या फिर पैरामीट्रम में, अगर पैरामीट्रम का इन्वॉल्वमेंट है तो नोड्यूलैरिटी या हमें लिम्फ नोड्स पैल्पेबल हो सकते हैं. ब्रेस्ट एग्जामिनेशन इज शुड ऑलवेज बी डन एंड लिम्फ नोड एग्जामिनेशन. व्हाट आर द मोड्स ऑफ स्प्रेड ऑफ सीएस एंडोमेट्रियम? डायरेक्ट स्प्रेड कहाँ कहाँ होगा एंडोमेट्रियम से? मायोमेट्रियम में, सर्विक्स में, एडिनेक्सा में, पेरिटोनियम में, ओमेंटम, पेरिटोनियम. लिम्फेटिक स्प्रेड, पेल्विक, पैरायोटिक एंड इनग्वाइनल लिम्फ नोड्स. हेमेटोजेनस, like lung, distant sites में जाएगा, lung, liver, brain, etc. Transtubal passage, tube से, and port site metastasis. Port site metastasis क्या होता है? कि अपन कभी भी जैसे laparoscopically कोई अपने पहले कोई surgery करी हुई है कुछ है, या उस site पे अगर वहाँ metastasize कर गया laparoscopically या कोई surgical site पे अगर वो metastasize किया है तो. How do you diagnose it? How will you diagnose endometrial cancer? Is there any screening method available for endometrial cancer? Mammography तो breast के लिए होती है बेटा, उससे endometrial cancer कैसे पता चलेगा? नाम से ही पता चल रहा है mammography is breast, उससे कैसे पता चलेगा? Is there any screening method for? Because there are screening methods for CS cervix. What are those? Yes, pap smear or colposcopy. Because CS cervix has got a very long incubation period. जब HPV इन्फेक्शन होगा उससे लेके सीएस सर्विक्स डेवलप होने में 8 से 10 साल का टाइम लगता है, तो अपने पास 8 टू 10 इयर्स का विंडो है स्क्रीन करके सीएस सर्विक्स को प्रिवेंट करने का, है ना. अनलाइक सीए ओवरी जहां हमें टाइम ही नहीं मिलता, हम विद इन 2 to 3 मंथ्स पेशेंट इतना डिटेरियरेट कर जाता है कि ग्रेड 4 सीए ओवरी हो जाता है ना. सीए ओवरी का कोई स्क्रीनिंग मेथड नहीं है, एक्सेप्ट फ्यू टेस्ट, बट वो भी सब इनकंक्लूसिव होते हैं. तो सीए एंडोमेट्रियम के लिए कुछ स्क्रीनिंग है?
एमआरआई तो बेटा हर पेशेंट को तो अपन नहीं कराते, बट हाँ अगर अपन बात करें तो इमेजिंग बेसिकली, अगर पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग है, इमेजिंग इज वन वे ऑफ स्क्रीनिंग इट, कि अगर हमें इमेजिंग में अगर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया मिल रहा है, इट इज इनडायरेक्टली रिलेटेड, ऐसे डायरेक्ट कोई स्क्रीनिंग नहीं है कि रूटीन में पेशेंट आया आपने पैप स्मेयर ले लिया, इट इज लाइक कि पेशेंट ने सोनोग्राफी कराई उसको इंसिडेंटली एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया मिला, लाइक उसको पोस्ट मेनोपॉजल में 7 mm ईटी मिला, एंडोमेट्रियल थिकनेस मिला, फिर अपन ने उसको बायोप्सी के लिए लिया, क्यूरेट किया या अपने एंडोमेट्रियल बायोप्सी ली और फिर उसको अपने टेस्टिंग के लिए भेजा और उसमें मैलिग्नेंसी निकल गई, दैट्स द ओनली वे वी कैन फाइंड इट आउट, देर इज नो अदर वे। एमआरआई का काम है बेसिकली स्प्रेड को डिटेक्ट करना, एमआरआई डायग्नोस नहीं करेगा, डायग्नोस तो हमेशा बायोप्सी ही करेगी, एनी मेलेग्नेंसी ऑफ एनी पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी विल बी डायग्नोज बाय हिस्टोपैथोलॉजी, नथिंग एल्स। सो ऑब्वियसली पैप टेस्टिंग इज नॉट फॉर दिस एंडोमेट्रियल सीए, इट इज फॉर सीए सर्विक्स, इट इज इनसेंसिटिव ऑल्सो, इसमें कई बार इसलिए अपन मान लेते हैं कि कई बार मान लो सर्विक्स में अगर आ गया है और अपने पैप्स में लिया और सर्विक्स में अपन एंडोमेट्रियल सेल्स मिल रहे हैं तो अपन सस्पेक्ट कर सकते हैं एंडोमेट्रियल कैंसर, बट इट इज वेरी इनसेंसिटिव। ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी इज द थिंग दैट वी कैन डू जिससे हमें एक एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया डिटेक्ट हो सकता है, एंड देन ऑब्वियसली वी हैव टू गो फॉर एन एंडोमेट्रियल बायोप्सी विच इज एन इन्वेजिव प्रोसीजर। ऑब्वियसली देर इज नो सेटिस्फैक्ट्री मेथड फॉर आउट पेशेंट पॉपुलेशन फॉर स्क्रीनिंग ऑफ एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा बिकॉज पेशेंट रीजन पेशेंट इज एसिम्प्टोमेटिक एंड डायग्नोसिस इज यूजली अर्ली। फॉर हाई रिस्क केसेज टीवीएस इज गोल्ड स्टैंडर्ड विद एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग। इन्वेस्टिगेशन एज आई हैव डिस्कस्ड टीवीएस इज द फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी बिकॉज दैट कैन डिटेक्ट द एंडोमेट्रियल थिकनेस, देन वी डू फॉर दे गो फॉर अ बायोप्सी। बायोप्सी बहुत अलग अलग तरह की होती है, एक ऑफिस बायोप्सी होती है जिसमें अपन सिर्फ सिंपल ईबी ले लेते हैं, ठीक है ना, पेपर से एक ओपीडी में ही हमने एंडोमेट्रियल वो ले लिया बायोप्सी और उसको हमने बायोप्सी के लिए भेज दिया। सबसे गोल्ड स्टैंडर्ड होता है हिस्ट्रोस्कोपिक गाइडेड बायोप्सी। वाई हिस्ट्रोस्कोप, व्हाट इज हिस्ट्रोस्कोप? हिस्ट्रोस्कोप इज अ इट्स बेसिकली अ यूनिट, कैमरा यूनिट इन विच वी विजुअलाइज द इंटीरियर ऑफ द यूट्रस, वी विजुअलाइज द एंटायर यूट्राइन कैविटी। सो इसका फायदा क्या है, अपन जब नॉर्मल एंडोमेट्रियल बायोप्सी या क्यूरेट करते हैं तो उसमें, हाँ एग्जैक्टली उसमें हम ब्लाइंडली हम कहीं से भी ले लेंगे क्यूरेट, इसमें क्या होगा हम विजुलाइज करेंगे और जो एरिया हमें सस्पिशियस लग रहा है हम पर्टिकुलरली वहां से बायोप्सी लेंगे, तो देयर आर लेस चांसेस ऑफ मिसिंग द मेलिग्नेंसी। जो ब्लाइंड अपन जो ब्लाइंडली लेते हैं तो उसमें देयर आर देयर क्वाइट मतलब हाई चांसेस, 50% चांसेस कि हम मिस कर जाएं अगर हमने थॉरो नहीं किया तो, बट हिस्टोस्कोपी इज टू बी डन अंडर एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया। इसमें तुम्हें दिख रहा है, तुम्हें समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा होगा एक्चुअली, पिक्चर मेरे पास पॉइंटर नहीं है, बट बेसिकली सॉरी दिस इज द एंडोमेट्रियम, दिस एंटायर थिंग, दिस इज यूट्रस एंड दिस इज द एंटायर, दिस एंटायर एंडोमेट्रियम, दिस इज थिकेंड, इसकी थिकनेस 13 mm है। Endometrial biopsy is a definitive step in evaluating the patient with abnormal uterine bleeding or suspected endometrial pathology. As I told you, या तो पिपल से हम कर सकते हैं या कैनेला एंडोमेट्रियल बायोप्सी क्यूरेट। सैंपल इज सेंट इन फॉर्मलिन 10% फॉर HPR हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन। डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी इज अप्रॉक्सिमेटली 90-98%। हिस्ट्रोस्कोपिक बायोप्सी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ऑब्वियसली ये उनमें करते हैं जहाँ पे पेशेंट डज नॉट अलाउ ऑफिस बायोप्सी और वी आई वॉन्ट टू बी श्योर अबाउट मेलिग्नेंसी। फ्रैक्शनल क्यूरेटाज ये पहले करते थे अब नहीं करते। फ्रैक्शनल क्यूरेटाज में ये होता है कि हम यूट्रस की अलग अलग लोकेशन से बायोप्सी लेते हैं, हम एंडोसर्विक्स से भी लेते हैं, फंडस ऑफ द यूट्रस से भी लेते हैं, दोनों लैटरल वॉल से भी लेते हैं, पोस्टीरियर वॉल से भी लेते हैं, एंड देन उन सारे अलग अलग सैंपल्स को बायोप्सी के लिए भेजते हैं, बट दिस इज ऑब्सोलीट नाउ, अब अपन इसलिए बिकॉज अपन हिस्ट्रोस्कोपिक बायोप्सी करने लग गए हैं। सी एमआरआई, ऑब्वियसली एमआरआई इज फॉर इन्वेजन, कितना इन्वेड किया है। एमआरआई इज नॉट फॉर डायग्नोसिस और एनीथिंग, ये सब आगे की बात है कि इन्वेजन कितना हुआ है, चेस्ट सीटी, सीटी चेस्ट पेल्विक एंड एब्डोमिनल सीटी, एब्डोमिनल पेल्विक यूएसजी, रूटीन इन्वेस्टिगेशन जितने अपन कराते हैं, कोलोनोस्कोपी तो अगर इफ देयर इज ब्लड। मैनेजमेंट, क्लिनिकल स्टेजिंग शुड बी परफॉर्म्ड ओनली इन पेशेंट्स हु आर डीम्ड नॉट टू बी सर्जिकल कैंडिडेट बिकॉज ऑफ देयर पुअर मेडिकल कंडीशन और द डिग्री ऑफ डिजीज स्प्रेड, अदरवाइज एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा में वी हैव टू गो फॉर अ सर्जिकल मैनेजमेंट, वी हैव टू गो फॉर अ हिस्टेरेक्टमी। सर्जिकल स्टेजिंग इज बेस्ड ऑन हिस्टोपैथोलॉजी, ग्रॉस फाइंडिंग ऑन कट सेक्शन ऑफ द यूट्रस एंड पॉसिबल फ्रोजन सेक्शन ऑफ द रिसेक्टेड यूट्रस।
Surgery is the mainstay. Could be done abdominally, vaginally, laparoscopically, or robotic assisted approach. But the best is abdominal approach because it gives you an extensive area of visualization. You are able to remove the wider tissue and you are able to remove all the lymph nodes. Although we can do laparoscopically also. Aisa kuch nahi hai. Depending upon after the uterus removal, wo kya stage pe hai, kitna spread hai, lymph nodes ka involvement aaya hai ki nahi aaya, uske according phir apan adjuvant chemo radiation decide karte hai. Steps of surgical staging is just apan ek midline vertical incision dete hain abdomen pe, not the transverse incision routine. Vertical incision umbilicus se niche, we might have to go above umbilicus also. Agar jaise hum abdomen kholte hain, whatever ascitic fluid is there, we have to send it for cytology to see whether there are malignant cells in it. We have to explore the entire pelvis and the abdomen. We go for a hysterectomy with bilateral salpingo-oophorectomy. इसी टाइम हम चाहें तो यूट्रस को, अगर हमारे पास कंफर्मेशन नहीं है ना, इनकेस अगर अपन ने बायोप्सी पहले नहीं ली हुई है, तो हम इसको फ्रोजन सेक्शन के लिए भी भेज सकते हैं. उसी टाइम वो फ्रोजन सेक्शन की रिपोर्ट 30 से 40 मिनट्स में आ जाती है, तो अपन को एक ग्रॉस आइडिया लग जाता है इट इज अ मैलिग्नेंट यूट्रस. पेल्विक एंड पैराओटिक लिम्फेडेनेक्टमी डिपेंडिंग अपॉन अपने को कितने लिम्फ नोड्स पैल्पेबल हैं. एंड एडवांस स्टेज में साइटो रिडक्टिव सर्जरी करते हैं, जहां पे मान लो इतनी एडवांस स्टेज हो गई कि अपन यूट्रस और सब वो नहीं निकाल पा रहे, तो जितना मैक्सिमम पार्ट निकाल सकते हैं जो ट्यूमर इन्वेडेड है वो हम निकाल देते हैं, बाकी छोड़ देते हैं. स्टेजिंग एंड मैनेजमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सीगो स्टेजिंग तुमको आना चाहिए आइडियली. स्टेज वन इज बेसिकली व्हेन द ट्यूमर इज कन्फाइंड टू द यूट्राइन कॉर्पस इन द ओवरी. ठीक है, ये ट्यूमर कॉर्पस, अपन यहाँ सिर्फ कॉर्पस की बात कर रहे हैं, ओवरी को भी भूल जाओ. वन ए व्हेन इट इज लिमिटेड टू एंडोमेट्रियम और लेस देन हाफ ऑफ द मायोमेट्रियल इन्वेजन. ठीक है, वन ए वन नॉन अग्रेसिव हिस्टोलॉजिकल टाइप लिमिटेड टू एंडोमेट्रियल पॉलिप और कन्फाइंड टू द एंडोमेट्रियम. 1A2 is involving less than half of the myometrium and 1A3 is low grade endometrioid carcinomas. 1B again is a non-aggressive one in which invasion is equal to more than half of the myometrium. Pehle less than half of the myometrium tha, 1B mein more than half of the myometrium ho jayega. And 1C is aggressive histological type and limited to polyp और कन्फाइंड टू एंडोमेट्रियम. मतलब इट इज अग्रेसिव. वो सारे नॉन अग्रेसिव थे, ग्रेड वन ग्रेड टू वाले, ये ग्रेड थ्री होंगे. स्टेज टू व्हेन इट इन्वेड्स द सर्वाइकल स्ट्रोमा विदाउट एक्स्ट्रा यूट्राइन स्प्रेड, ओनली इट इज एक्सटेंडिंग टू द सर्विक्स. 2A में सर्वाइकल स्ट्रोमा नॉन अग्रेसिव टाइप, 2B में सब्सटेंशियल लिम्फोवैस्कुलर स्पेस इन्वेजन हो जाएगा, इसमें LVSI इज लिम्फोवैस्कुलर स्पेस इन्वेजन. एंड 2C इज अग्रेसिव हिस्टोलॉजी, अगेन 2C इज अग्रेसिव हिस्टोलॉजी. इन दोनों स्टेजेस का ट्रीटमेंट है मॉडिफाइड रेडिकल हिस्टरेक्टमी विद BSO. स्टेज वन एंड स्टेज टू अगर है तो इसका ट्रीटमेंट है मॉडिफाइड रेडिकल हिस्टरेक्टमी, नॉट सिंपल हिस्टरेक्टमी, इट इज अ मॉडिफाइड रेडिकल हिस्टरेक्टमी विद BSO. BSO इज बायलेटरल साल्पिंगो ऑफरेक्टमी विद पेरिटोनियल वॉश फॉर साइटोलॉजी, जैसे अपने पहले पढ़ा. पेल्विक लिम्फेडेनेक्टमी रिसेक्शन ऑफ ग्रॉसली एनलार्ज्ड पैराओटिक नोड्स और मेंटल बायोप्सी. पोस्ट ऑपरेटिव इफ लिम्फ नोड्स आर नेगेटिव, नो एडजुवेंट कीमोथेरेपी इज नीडेड. If positive, external beam radiation or vaginal brachytherapy, that is radiation. Stage 3, in which there is local or regional spread of the tumor. 3A is, it invades the uterine serosa, that is parametrium ko invade kar gaya, or adenexa, or both by direct extension. 3A1 mein it is spread to ovary or fallopian tubes, and 3A2 mein involvement of uterine serosa, pura serosa is involved. 3B mein vaginal involvement ho jata hai. 3C में मेटास्टेसिस टू पेल्विक एंड पैराओर्टिक लिम्फ नोड्स, दैट्स इट. ट्रीटमेंट इसका क्या है, जहां थर्ड स्टेज आ जाती है वहां पे अपना सर्जिकल तो है ही, उसके पेरिटोनल वॉशिंग, ये सारा अपन जितना मैक्रोस्कोपिक डिजीज निकाल सकते हैं, उसके बाद वी हैव टू गो फॉर EBRT एंड या फिर ब्रैकेथेरेपी. स्टेज 4 इज ऑब्वियसली ट्यूमर इन्वेज ब्लैडर और ब्लैडर म्यूकोजा, बाउल म्यूकोजा और डिस्टेंट मेटास्टेसिस. 4A में इट इज इन्वेडेड टू ब्लैडर और बाउल. 4B में एब्डोमिन पेरिटोनियल मेटास्टेसिस एंड 4C में डिस्टेंट लाइक लिवर, लंग, बोन एक्सेट्रा. दीज आर यूजली नॉन ऑपरेबल, इसमें हमें सीधा कीमो रेडियो देना है. प्रोग्नोस्टिक फैक्टर एज, ओल्डर एज पुअर प्रोग्नोसिस. हिस्टोलॉजिकल टाइप क्लियर सेल और अगर है तो ये पुअर प्रोग्नोसिस होता है. हायर द ग्रेड लेसर द सर्वाइवल. साइज ऑफ द ट्यूमर, इफ साइज इज लेस देन 2 सेंटीमीटर ट्यूमर साइज, इट इज बेटर सर्वाइवल. मेटास्टेसिस नोड्स कम अगर इन्वॉल्व है तो ऑब्वियसली हायर रेट है. ट्यूमर साइज अगर मोर देन 2 सेंटीमीटर है तो मोर
पुअर प्रोग्नोसिस. डेप्थ ऑफ मायोमेट्रियल इन्वेजन, अगर मोर देन हाफ ऑफ द मायोमेट्रियम इन्वॉल्व है तो पुअर प्रोग्नोसिस में चला जाता है. मतलब प्रोग्नोसिस पुअर से मतलब डिक्रीज होता जाता है. सर्वाइकल एक्सटेंशन है तो अगेन पुअर प्रोग्नोसिस. एडिनेक्सल इन्वॉल्वमेंट है, एडिनेक्सा इस ट्यूब एंड ओवरी को एडिनेक्सा बोलते हैं, पुअर प्रोग्नोसिस. लिम्फ नोड मेटास्टेसिस है तो देन अगेन इट डिक्रीजेस द 5 ईयर सर्वाइवल चांस. वैस्कुलर स्पेस इन्वेजन हो जाता है देन अगेन इट इज अ हाई रिस्क एंड पुअर प्रोग्नोसिस. पोस्ट ऑपरेटिव एडजुवेंट में हम क्या देते हैं? रेडियोथेरेपी, यूजली वजाइनल ब्रैकेथेरेपी और एक्सटर्नल रेडिएशन बीम थेरेपी. ये तुम आगे अभी जब थर्ड ईयर फाइनल ईयर में आओगे तब तुम पढ़ोगे. ये बेसिकली वैसे पीजीज के लेवल के लिए है, तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जानना कि ब्रैकेथेरेपी और ईबीआरटी वगैरह कैसे देते हैं. कीमोथेरेपी का यूजली जो अपन ड्रग्स यूज करते हैं, दैट इज सिसप्लैटिन एंड पैक्लिटेक्सिल. दोज तुमसे यूजली कोई नहीं पूछेगा. बस अगर नाम ज्यादा ज्यादा याद रखना चाहो तो सिसप्लैटिन देते हैं 4 to 6 साइकिल्स एंड पैक्लिटेक्सिल 3 to 4 साइकिल्स. हॉर्मोन थेरेपी भी देते हैं, ये उनमें देते हैं जहाँ पे हमें, जैसे अगर यंग एज पेशेंट है और शी वॉन्ट्स टू कंसीव, शी डजंट वॉन्ट्स और वांट वॉन्ट्स और हिस्टेरेक्टमी टू बी डन, हम उसको कंजर्वेटिवली मैनेज करना चाह रहे हैं हाई ग्रेड एंडोमेट्रियल हाइपरप्लासिया को या हाई ग्रेड मैलिग्नेंसी को, तो उस केस में हम जो ये मेट्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन विच इज अ प्रोजेस्ट्रॉन, हम इसको हाई डोज में 400 टू 800 मिलीग्राम ओरली और इंट्रामस्कुलरली फॉर अ ईयर देते हैं. फिर उसके बाद जैसे ही वो रिग्रेस करता है वी आस्क हर टू कंसीव एंड हैव अ बेबी एंड देन वी गो फॉर अ हिस्टेरेक्टमी लेटर ऑन. 5 ईयर सर्वाइवल एज यू नो 1A का ऑब्वियसली 88% एंड 4B पे 15% सर्वाइवल रह जाता है. तो एज द स्टेज यू कैन सी एज द स्टेज इंक्रीजेस द सर्वाइवल परसेंटेज 5 ईयर द सर्वाइवल इज ऑलवेज 5 ईयर सर्वाइवल. रिकरेंट डिजीज यूजली अगर रिकरेंट होती भी है तो वजाइना या पेल्विस में ही होती है. मोस्ट कॉमन सिम्टम इसमें ब्लीडिंग ही होगा एंड वेट लॉस और ये सब है. क्लिनिकल फीचर्स आर डिपेंड ऑन विद साइट ऑफ मेटास्टेसिस. वजाइनल ब्लीडिंग इज मोस्ट कॉमन विद लोकल रिकरेंस, पेल्विक पेन एंड पेल्विक रिकरेंस. अगर कोई सिस्टमिक है हिमोप्टेसिस, एनोरेक्सिया, नॉजिया, वॉमिटिंग, एसाइटिस. अगर पेरिटोनियल है पेन, सीजर्स अगर ब्रेन में आ गया तो, जॉन्डिस लिवर में आ गया तो. ट्रीटमेंट इसमें क्या होगा? सेम, अगर उन्होंने सिर्फ ब्रैकेथेरेपी रिसीव करी है तो हम ईबीआरटी दे देंगे. अगर नहीं, अगर इन्होंने कुछ भी नहीं, आरटी इनको मिला ही नहीं है तो हम दोनों चीज देंगे. फॉलोअप कैसे करते हैं इन पेशेंट्स का? ऑब्वियसली वी हैव टू गो फॉर थॉरो हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन. पहले हम फर्स्ट 2 ईयर्स तक एवरी 3 to 4 मंथ्स पेशेंट का फॉलोअप करते हैं एंड देन आफ्टर फॉर 6 मंथ्स फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स एंड देन एनुअली. वजाइनल साइटोलॉजी इज डन रेगुलरली. CA 125 करते हैं. चेस्ट एक्सरे, मेमोग्राफी एंड MRI इफ इट इज इंडिकेटेड.